की इस बड़े बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयूधी शशि। देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन देश के नागरिकों के बनने वाली जरूरी अपडेट को लेकर अब राजनीति चरम पर है। विपक्ष ने इसे लेकर भड़काऊ बयान देने का काम शुरू कर दिया है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून के बाद एनपीआर के विरोध में लग गए हैं, लेकिन सरकार ने इस पर पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एनपीआर के बारे में पूरी जानकारी देकर भ्रम दूर करने की कोशिश की। अमित शाह ने साफ किया कि इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है और इसका एनआरसी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। तो चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सवाल भी बताएंगे जो आज इस चर्चा का केंद्र रहेंगे कि आखिर क्यों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से डर लग रहा है विपक्षी पार्टियों को। सवाल ये भी कि नागरिकों की पहचान विपक्ष इससे क्यों है परेशान, और सवाल ये भी है कि देश के नए नागरिक शास्त्र पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है, और साथ ही सवाल ये कि नागरिकता पर भ्रम दूर, अब जनसंख्या पर साजिश शुरू हो चुकी है, और एनआरसी से पहले एनपीआर सच है या अफवाह। ये लगातार ऐसे सवाल हैं जो अब हर कोई जानना चाहता है। मेरे साथ पूरा पैनल है, सबका परिचय आपसे मैं फटाफट करवा देती हूँ। सुदेश वर्मा बीजेपी से जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चेतन सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में। संजीव तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं स्टूडियो में मेरे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सीपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार सर मेरे साथ हैं। विनय सिंह टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीत चोपड़ा नेता हैं सीपीआई। स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग। विनय सिंह सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सुनीत चोपड़ा आपसे भी होगा यही सवाल हालांकि, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा सर। सीएए पर बवाल, एनआरसी पर सवाल, एनपीआर पर रार। देश की सरकार कोई कदम उठाती है तो क्या इसका विरोध करने की कसम आप लोगों ने खा रखी है या वाकई सब समझ में आता है? सवाल ये है कि सरकार जो है ऐसे कानून ला के उसका विश्वास जनता में हट चुका है। विनय सिंह से नहीं तो इतना विरोध नहीं होता। सुनील चोपड़ा विनय सिंह से था सर मेरा सवाल, उनको कहिए। मेरा ये कहना है ये तो शांति का टाइम है और आज ही फौज की बात हो रही है। विनय सिंह जी, एक बार प्रश्न को फिर कहे, थोड़ा साउंड बढ़ाए, साउंड आ नहीं रही है। अच्छा ठीक है, आप जरा विनय सिंह का साउंड दुरुस्त कीजिए। सुनील चोपड़ा आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, ये आज क्रिसमस का दिवस है, ये शांति का दिवस है और सुख का दिवस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार गरीबों तक जाए और उनको कम से कम इस ठंड से बचाए, और हम चाहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है, आज भी पुलिस वालों ने दिल्ली के छात्रों को कहा है कि आप मुखर्जी नगर से चले जाइए, इस तरह की चीजें बंद हों और ये झगड़े बंद हों और सेना की बातें कम हों और शांति की बातें ज्यादा। और बात किस बात की हो रही है सर? शांति की अपील तो आप लोगों ने की ही नहीं एक बार भी। शांति की अपील तो आप लोग करते, आप लोग तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। और मैंने किया क्या है और क्या कहा है सर? हफ्ते ये एनपीआर अपनी जेब में रखें, ये बेहतर है, क्योंकि ये एनपीआर ये लोग इस्तेमाल करेंगे टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान की जनता की करने के लिए। अब आप पॉइंट पर आए, ठीक है सर, आप बने रहिए। और हम ये नहीं चाहते हैं, मेरा सवाल आपने पहले सुना था, वो सवाल बड़ा है तो मैं दोबारा इसलिए दोहराऊंगी नहीं क्योंकि समय इसमें खराब होता है। मुझे सिर्फ इतना जानना है, क्या अभी स्पष्ट नहीं है विपक्षी पार्टियों को एनपीआर? देखिए सबको सब चीजें स्पष्ट है, लेकिन जो कंफ्यूजन जो ये सत्ताधारी दल के अंदर है ये बड़ी अफसोस की बात है। देखिए मोदी जी एक चुनावी रैली में, दिल्ली की चुनावी रैली में कहते हैं एनसीआर के ऊपर, फिर अमित शाह जी कुछ कहते हैं, जेपी नड्डा जी कुछ कहते हैं। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह, तीनों के तीनों संवैधानिक पदों पे हैं, वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों के भी मायने होते हैं।
दूसरा लोकतंत्र के अंदर जो सबसे चरम चरम प्रधानमंत्री अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात का मैं बिल्कुल मानता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सबसे शीर्ष पे होते हैं, वो कुछ कहते हैं, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ आ गया है और क्या कहा गया है। देखिए जब तक चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती, जब तक चीजें को सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी रैली थी, चुनावी रैली में कुछ भी कहा। अच्छा, गृहमंत्री को सुना आपने? सुनिए, गृहमंत्री को सुना, गृहमंत्री जी को सुना। देखिए लेकिन जिस तरह का माहौल पूरा हमारे देश में आज के समय में हो गया है, देखिए चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सबके सब सारे के युवा सड़कों पे है। देखिए पूरा देश हमारा खड़ा हो गया है, कुछ भी यहाँ पर देखिए हर चीज, ये देखिए इस देश को बनाने में बहुत मेहनत करी गई है। आप कह रहे हैं युवा, मैं तो अब देख रही हूँ कि युवा समर्थन में अब सड़कों पर उतर है। वही कहना चाहूँ, समर्थन में, पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, पक्ष में है चाहे विपक्ष में, लेकिन वो सड़कों पे तो नहीं होना चाहिए ना। पूरा विश्व हमारे देश के युवाओं का लोहा मानता है, बहुत काबिल लोग हैं हमारे देश में। अब ये उनके साथ क्या हो रहा है, देखिए ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो बहुत बुरी स्थिति में है ये और बुरा करके छोड़ेगा। इसको और सरल करते हैं, मेरी बात सुनिए, यही तो होता है सर, यही होता है कि ऐसी बातें बोल बोलकर ऐसे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जिन्हें इस बारे में थोड़ा भी भ्रम है ना, कंफ्यूजन कौन कर रहा है? अगर अमित शाह जी के अंदर, प्रधानमंत्री जी के अंदर कंफ्यूजन है, इसलिए अगर अमित शाह जी के अंदर रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते भी और एक रिस्पॉन्सिबल आप जिसका अच्छा, पक्ष रखते हैं पार्टी का, उसकी तरफ से होने के नाते भी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बिल्कुल बात मानेंगे। अब आप मुझे बताइए, देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। मेरा क्वेश्चन है, और गेस्ट पर भी जाना है मुझे, मैं चाहती हूँ बहुत सरल भाषा में ये डिबेट हो, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति बिल्कुल इसको लेकर पैदा नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया ना? बतौर नागरिक मैं अपनी बात ही नहीं कर रही, बतौर नागरिक आपको समझ में आ गया? मेरे को समझ नहीं, मेरे को और कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा, कंफ्यूजन इतना बड़ा हो गया, क्या ये एनपीआर पहला कदम होगा एनआरसी की तरफ? आपने सबसे पहला, दूसरा मुझे बता दीजिए, इसको ना वन टू वन करते हैं। ठीक है ठीक है, चेतन सिंह ऐसे ही करते हैं वन टू वन। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि दोनों में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें, अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए अब मैं वही कहना चाहता हूँ, गृहमंत्री ने कुछ कहा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, जेपी नड्डा जी ने कुछ कहा, और अभी जो आपने बाइक चलाई प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब ये हो क्या रहा है, किस तरह, देखिए सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास टूट गया है। सरल सी बात है, सरल सी बात है, पीओडी जी सबसे ज्यादा वोट किसने दिया सरकार को? युवाओं ने दिया। अब युवाओं कहा, युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़े हुए, पत्थर क्यों आ गए युवाओं के हाथ में? आप मुझे बता दिए, कलम होनी चाहिए थी, पत्थर कैसे आ गए? क्या विश्वास नहीं था अपने युवाओं तो? क्या युवाओं को विश्वास नहीं है कि अपनी सरकार में? सर वो तो भ्रम की स्थिति, किसने किया वो, उसका भी नाम सामने आ गया, कौन सा वो संगठन है उसका नाम भी सामने आ गया, उस पर मुझे जाना ही नहीं है। फिर से वही डिबेट यहाँ पर क्रिएट हो और फिर से लोग उसी बात को लेकर भ्रमित हो जाएं। डिबेट यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे देश में आज के समय में देखिए जिस भाई, अगर आपके घर में कितना राशन है, कितने किलो आटा, कितना किलो चीनी, कितनी चाय पत्ती आप लेकर आते हैं, ये आपको पता होता है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर देश को पता हो कि कौन से राज्य में कितने लोग रहते हैं, किस जगह रहते हैं? और बना लीजिए, कितने बेरोजगार युवा हैं, कितने लोग भूख की वजह से मारे गए हैं, कितने लोग ठंड में अपने आप को नहीं अच्छे से ढक पा रहे हैं, सवाल जायज तब होता है, पैसे के अभाव के इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, कितने किसान मारे गए, आप इसका भी रजिस्टर बना लीजिए। योर टाइम सुदेश वर्मा, दो बातें, चेतन सिंह जो बात कह रहे हैं वो, और मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को कानून बनाने से पहले आप लोग इसको लेकर जागरूक क्यों नहीं करते? जब भ्रम की स्थिति पूरी पैदा हो जाती है फिर देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ता है सर, ऐसा क्यों? पयोधी जी, एनपीआर के बारे में मैं बात करता हूं क्योंकि बाकी बच्चों को तो बहुत चर्चा हो गई। एनपीआर जो था ये हमने नहीं लाया था, ये तो कांग्रेस ने ही लाया था। 2010 में पहला एनपीआर हुआ था और उसके बाद 2015 में अपडेट हुआ था और अभी फिर अपडेट होगा। अपडेट क्यों होता है? 6 महीने में कोई फॉरेनर या कोई व्यक्ति अगर रेजिडेंस चेंज किया है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, कुछ नए बच्चे पैदा होंगे तो उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है? क्या छुपे छुपे रहेंगे क्या देश में लोग? और ये कौन लोग हैं? देश के बारे में अगर सोचा जा रहा है तो ये लोग क्यों आके भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था। कांग्रेस कर दे तो ठीक है, बीजेपी कर दे तो ये कॉम्युनल एजेंडा कैसे हो जाता है? जब हमारे गृह मंत्री ने क्लियर क्लेरिफिकेशन दे दिया कि इसका कोई लिंक नहीं है एनआरसी से, अरे एनआरसी कहाँ है हमें तो पता ही नहीं है अभी। अच्छा जनाब, ये तो पार्टी की तरफ से है कि एनआरसी होना चाहिए, पार्टी का एजेंडा है, सरकार ने तो इस पर विचार नहीं किया है।
आप मुझे चेतन सिंह इतने पढ़े लिखे आदमी होकर कंफ्यूज करते हैं लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर इतनी चिंता आपको है तो आप लोगों से अपील करिए अपने अपने घरों पे जाए, हम आपके बसों को चला रहे हैं। हमारे पास एनपीआर एक बड़ा साधारण सी टर्म है, क्या देना है इस पर फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। चेतन सिंह वन सेकंड ये देखिए, आपको इस जनसंख्या रजिस्टर में क्या है क्या देना होगा वो आप देखिए। घर के मालिक से क्या रिश्ता है आपका ये इसमें अपडेट कराना होगा। पिता का नाम है वो अपडेट कराना होगा आपको, मां का नाम अपडेट कराना होगा आपको इसमें। आप देखिए कितने सरल पॉइंट्स हैं, आप पुरुष हैं महिला हैं आपको बताना होगा, जन्म तिथि आपकी वो बतानी होगी, किस दिन आपने आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म स्थान आप कहां पैदा हुए ये आपको इसमें बताना होगा, और आपकी राष्ट्रीयता क्या है ये आपको इसमें बताना होगा। आप सोचिए कि बेसिक चीजें हैं, वर्तमान पता भी, आप कहां रहते हैं आपको वो बताना होगा जिससे ये अपग्रेड हो जाए, और आपका जो स्थायी पता है आपको वो बताना होगा। इसी के साथ आप क्या काम करते हैं, आपका पेशा क्या है, कारोबार क्या है, नौकरी क्या है, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, आप कितना पढ़े हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको आपको अपने परिवार वालों की साझा करनी होगी। तो चेतन सिंह क्या चेतन सिंह के पास मैं आ गई हूं, विनय सिंह आपके पास मैं आ रही हूं, वही बात है कि इसमें दिक्कत क्या है सर। आप अपने अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं सर, जब आप अंदर कोई आपका रिश्तेदार आता है तो आप वेरीफाई करते हैं ना, वो गार्ड फोन करता है ना कि आपसे मिलने के लिए फलाना आए भेज दे क्या, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो जब आपके पहले दो बात है, आज मेरी क्रिसमस की शुभकामना और अटल जी की जन्मदिन 95वीं उनकी जन्मदिन है, उनको कोटि कोटि श्रद्धापूर्वक हम नमन करते हैं। जनगणना तो शुरू से होती आई है, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है सरकार के पास रिकॉर्ड रखने के लिए, जिस देश में पॉपुलेशन कितना बड़ा क्या स्थिति है और इसका भारतवर्ष की तमाम जनता के लिए कैसे कैसे सुविधा दी जाए और देश को कैसे चलाई जाए। मगर वर्तमान स्थिति में जो केंद्र की जो सरकार है उसकी मंशा पे सबको शक है। कभी एनआरसी की बात कही जाती है तो एनआरसी से हट करके सीए आ जाता है, उसके बाद अब एनपीआर आया हुआ है, आया नहीं। तो ये सरकार असल में क्या चाहती है, स्पष्ट कर देते हैं मंशा क्या है। एनआरसी अभी आया नहीं, इस पर एनआरसी को खत्म, अभी सीए आया है उस पर मंशा आपने देखा। जनता तो सरकार के ऊपर निर्भर है, मैं एक साधारण नागरिक के तौर पे जनता तो सरकार के ऊपर निर्भर है, मगर सरकार की मंशा में खोट है। सरकार क्या असल में चाहती है, उसकी मंशा क्या है, सर आप बताइए ना, नीति क्या है, तो कोई समझ नहीं रहा है। जनगणना तो देश जब से आजाद हुआ है जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है, जनगणना तो एक रूटीन वर्क है। मगर यह एनपीआर उसका नाम बदल करके आप दिखा रही है अभी टीवी पे, जिन उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पिता का नाम अपना नाम लिंग है कहाँ जन्म हुआ, घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है उनसे क्या संबंध, तो किसी को दिक्कत नहीं है। मगर इसके पीछे राज क्या है, इसके एनपीआर के पीछे सरकार की राज क्या है, मंशा क्या है, सरकार की मंशा में खोट है भारत। क्योंकि अगर ये भ्रम की स्थिति है तो फिर लोग इसके समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में भी तो उतर रहे हैं। देखिए पहले भ्रम फैलाया गया नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर, कहा गया कि इसके द्वारा भारत के मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी, मुसलमानों को में अफवाह फैलाया गया, वह सड़क पे आए और उनको हिंसा के लिए उत्तेजित किया गया। अब दूसरी बात चल रही है, देखिए जनगणना के लिए यह हुआ है और इसका कुल बजट जो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास कल कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसमें 8,500 करोड़ रुपया है आपको जनगणना के लिए और 3,500 करोड़ रुपया लगभग है आपको इसके लिए एनपीआर के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी शुरुआत किसने की इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर यह विपक्ष क्या चाह रहा है, उसी प्रकार का अफवाह फैलाना, उसी प्रकार की हिंसा फैलाना जो पिछले 10 दिनों से देश देख रहा है, उसी प्रकार से नौजवानों को उत्तेजित करना, एक समुदाय विशेष को उत्तेजित तो करना। अभी एक मिनट में एक लास्ट सेकंड लूंगा मैं। देखिए जनगणना 1881 से लगातार हो रही है और इसके लिए सेंसस एक्ट है
जो 1948 में इसी कांग्रेस 1881 से हाँ मैं बताना चाहता हूं कि सेंसस एक्ट है जो 1948 में इसी कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई। पी चिदम्बरम जी आज जिसकी बुराई कर रहे हैं वह जब गृह मंत्री थे तो यह एनपीआर पहली बार प्रारंभ हुआ। और यह शुरू कब हुआ? जो अमेंडमेंट लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, मैं बताना चाहता हूं 14A इंसर्ट किया गया सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में, उसके तहत यह किया गया कि इसके द्वारा जब पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे तो यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पहली बार 1910 में प्रारंभ किया गया और पूरा किया गया, मैं दावे के साथ कहता हूं। और अजय माकन जो उस समय गृह मंत्री थे इसके उत्तरदायी थे, उस समय जब यह करें तो यह सेकुलरवाद, और जब भारतीय जनता पार्टी उसी को पूरा करे तो यह कॉम्युनल, और यह बीज हो जाती है देश को बांटने की। मुझे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं? हिंसा नहीं फैलाए सीपी सिंह सर कि हम इन मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बांटकर राजनीति करेंगे, युवाओं को टारगेट पर रखकर आप राजनीति करेंगे? देखिए, एक जो बहुत सीधी सी बात है वो ये है कि जैसे परिवार में या निजी तौर पे कोई व्यक्ति करता है, कोई संगठन करता है, कोई पार्टी करती है, कोई देश करता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी करते हैं, अपने सदस्यों के बारे में बिना जानकारी के, मुकम्मल जानकारी के आप कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर आपके देश में रहने वाले निवासियों या नागरिकता की बात नहीं हो रही, आपके यहां जो निवासी हैं, जो रह रहे हैं, उनके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो आप कोई भी मुकम्मल फैसला नहीं ले पाएंगे जिससे लोगों तक कोई फायदा पहुंचा सके या ये फैसला ले सके कि कौन कहां कैसे किस रूप में आया, माइग्रेशन कितना हुआ, इस जिले से उस जिले में कितना हुआ, इस राज्य से उस राज्य में कितना हुआ, कितने बच्चे पैदा हो गए, कितने लोग मर गए, जो जनसंख्या, बिल्कुल योजनाओं का लाभ। और जब योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा तो एलोकेशन ऑफ मनी जो योजना के लिए आवंटित की जाती है उसे कैसे किया जाएगा? क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आए हैं चेतन सिंह, जब एलोकेशन ऑफ मनी यानी कि जब पैसों का बंटवारा होता है योजनाओं के लिए तो उसमें बंदर बांट के आरोप लगते हैं। तो क्या ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे हर चीज पर नजर रखी जा सकती है? कौशल कांत जी, मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, माफी चाहती हूं मैं आपके पास नहीं आ पाई, आपको पूरा समय दूंगी, छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले नागरिकता कानून पर चल रहे जी न्यूज के जागरूकता अभियान को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप इसलिए लोगों की मांग पर हमने एक नया नंबर भी शुरू कर दिया है, फटाफट से नंबर बताऊं मैं 7834998998 पर आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं, नागरिकता कानून पर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, पुराने नंबर पर भी आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। जो अमित शाह ने कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर है, अमित शाह झूठ कह रहे हैं। एनपीआर जो आइंदा साल 2020 अप्रैल में शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ताल्लुक एनआरसी से है। तो देश के गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि एनआरसी और एनपीआर में कोई भी ताल्लुक नहीं है तो ओवैसी ये कहते हैं कि है, शायद ओवैसी को ज्यादा बेहतर पता होगा। डॉक्टर कौशल कांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास पहले नहीं आई थी ब्रेक से, माफी चाहती हूं, लेकिन एक तो आपने सुन लिया गृह मंत्री ने क्या कहा, ओवैसी ने क्या कहा, उस पर मेरा सवाल यह है कि अभी तक देश में हाय तौबा इन विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर मचा रखी थी कि 50 साल पहले के डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे। सर, इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब तो इन्हें यह भी तय करना होगा कि हाय तौबा किस बात की है। पल्लवी जी, देखिए, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इन्हें एक मौका मिला है। ओके पयोधी जी, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं इनको एक मौका मिला है। जब पिछले कई दिनों से आप देखिए इतनी सारी पॉलिसीज सरकार की बनी,
आप देखिए धारा 370 पास हो गई, राम मंदिर के फेवर में जजमेंट आ गया, ये सारी चीजें जा रही थी बीजेपी के फेवर में जो इस समय की रूलिंग पार्टी है, और विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो एक ये पहला मौका मिला है जब ये खुलकर के विरोध कर पा रहे हैं। और जो अभी एनपीआर की बात कर रहे हैं, एनपीआर एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है सभी सिटीजन, सभी पॉपुलेशन के लिए जो इंडिया के अंदर है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनकी मंशा देश के लिए नहीं है। आप ये समझिए कि देश हमारा घर के जैसा होता है, अगर घर में कोई भी आदमी आता है तो हमें उसकी जानकारी का होना जरूरी है। आप अपने घर में किसी को घुसने नहीं देंगे जब तक वो आपके चौकीदार के पास रजिस्टर में साइन नहीं करेगा, लेकिन आप देश में किसी को घुसने के अलाउ कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे, क्यों? क्योंकि इसमें आपका पॉलिटिकल बेनिफिट है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में है ये केवल जनता को मिसलीड कर रही है, और जो अभी कुछ वक्ता बोल रहे थे कि वो खुद कंफ्यूज है, अगर आप खुद कंफ्यूज हैं कि कौन सी चीज क्या है तो आप यहां आके बोलने के हकदार नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि मीडिया एक चैनल होता है, एटलीस्ट आप यहां आने के पास पहले चीजों को पढ़ें और समझें। एनपीआर एक डिफरेंट चीज है और एनसीआर एक डिफरेंट चीज है, और जो ओबैसी जी कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, किसी देश में जब भी कोई चीज पॉलिसी बनती है सारी पॉलिसी कहीं ना कहीं आप देखिए तो एक दूसरे से मिक्सअप हो सकती है। तो अगर हर सरकार के हर स्टेप को आप डाउटफुल नजरिए से देखेंगे तो देश नहीं चलेगा। ये टोटल शेयर पॉलिटिक्स हो रही है, सर, मैं आऊंगी आपके पास, चेतन सिंह, लेकिन जैसा कि अभी पार्टियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर कोई किसी चीज की शुरुआत हो रही है, अभी आप सीएए को लेकर जब बवाल मचाया, आप देखिए ना उसके समर्थन में लोग आ गए, लोगों ने उसे समझा, उनका भ्रम क्लियर हुआ, और कौन उपद्रवी थे इस बवाल के पीछे, कौन था, ये भी इनपुट्स आ गए। तो लेकिन अब क्या इस पर इसी तरह का बवाल करने की इतनी जरूरत है कि राजनीतिक रोटियां सेकनी ही है? पयोधी जी, आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो युवा है, आईआईटी के युवा है, आईएम के युवा है, हॉवर्ड के युवा है, ये जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये राजनीति रोटी सेक रहे हैं? अरे ये कंसर्न है, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्टेड हो या ना हो, ये मेरे देश का मामला है। कंफ्यूज आपको आईआईटी हॉवर्ड यहाँ पर भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अब देखिए आप ये कह रहे हैं, आपको वो भी लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्या है। ममता बनर्जी भी कंफ्यूज नजर आ रही हैं। कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सीपी सिंह साहब देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात है, 8,000 करोड़ रुपए तो एनपीए पे लगेंगे, 375,000 करोड़ रुपए एनआरसी पे लगेंगे। एनआरसी के लिए असम के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया जो एनआरसी हुई है मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं उसको वैलिड नहीं मानूंगा। भाई असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप एनसीएल साहब ने साथ मना कर दिया, किस तरह की चीजें हो रही है, देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है, देश को क्यों इस तरह की स्थिति में डाल दिया है? कीजिए, अपना अखबार पढ़ रहे, पढ़ लीजिए पूरा कि एनपीए क्या है, एनसीए क्या है और सीए क्या है और सेंसस क्या है। ये चार अलग अलग चीज है। जो एनपीए है वो सेंसस के साथ किया जाता है, चूंकि 2010 में भी ये किया गया था, एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया था जिसके आधार पर पॉपुलेशन देश की बताई गई थी और उसमें डिटेल्ड डेटा था। इसमें न कोई प्रूफ देना है, न कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और न यह कोई दस्तावेज के रूप में तैयार हो रहा है। बेसिकली यह क्या है कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों की, वह इंडियन हो वह फॉरेनर हो, सबका यह लेखा जोखा है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कोई नई चीज नहीं है, क्या है कोई नई चीज नहीं है, नई चीज पुरानी चाली। लेकिन आप मुझे बता दें, घुसपैठियों को अगर ढूंढना है तो क्यों हमारा पुलिस तंत्र है? क्या आवश्यकता पड़ी 140 लोगों को उस तरह के मेटल डिटेक्टर से निकालेंगे? अगर कि विपक्ष कितना समझ पा रहा है कितना नहीं। विनय सिंह के यही हालत है, क्या विपक्ष की यही हालत है कि वो खुद अपने कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पा रहे? आप सोच रहे हैं आपका एक कंफ्यूजन देश में क्या माहौल पैदा करता है? आपने देखा है पिछले दो हफ्ते की तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से, कंफ्यूज विपक्ष नहीं है, कंफ्यूजन में और दुविधा में भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र की सरकार है। सवाल यह है कि बंदूक लेकर के एक सिपाही देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है और उसी बंदूक को लेकर के कोई सामाजिक कार्यकर्ता और हिंसा कर बैठता है, तो बंदूक का उपयोग कौन कैसे करेगा वह उस आदमी के ऊपर निर्भर है। यह सरकार घुमा फिरा करके देश की जनता को खुला करके अशांत करना चाहती है। वह बताता है कि संविधान के ऊपर
तृणमूल कांग्रेस की कितनी आस्था है। सही काम किया है हमने तो, एकदम शो करता है एकदम शो करता है कि संवैधानिक पदों में आपकी कितनी आस्था है। आपको आपको इसके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे ही आपने डिबेट प्रारंभ किया सबसे पहले आपको रोलिंग करना है आपको भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन है जो हमने कल वैसे इंसान को तो विश्वविद्यालय में कोई एंट्री नहीं है। भाजपा ने तो किसी गवर्नर को नहीं भेजा है, जगदीप धनखड़ को यहाँ राजनीति करने के लिए भेजा है, तो उनको झूठ बोलना है। मैं नहीं घुस ले झूठ बोलना हम तो कर रहे हैं। विनय सिंह जी कैमरा कर रहे हैं, विनय सिंह जी उनको विश्वविद्यालय विनय सिंह जी ममता बनर्जी के साथ सड़कों पर ये कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के लिए क्या कहा था सदन में आप भूल गए क्या? और प्रदेश में आके फिर वो कह रही है किसी भी कीमत पर लागू कोई नहीं बोला है घुसपैठियों के पक्ष में। पयोधी जी घुसपैठियों के पक्ष में भारतवर्ष की कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है और ममता बनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनकी कार्य करने की तो प्रणाली ही ठीक नहीं है। आप देखिए आसाम में एनआरसी करने गए फेलियर हो गए, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में रहना पड़ रहा है जो भारत के नागरिक है। उसके बाद हथकंडा आया सीएए का, अब हथकंडा आ रहा है एनपीआर का। इनका मनसा तो कहीं और है, तो हाथी के दांत के तरीके पे दिखावे के लिए तो दांत हाथी का होता है वो सो है, और असली दांत तो छोटा होता है जो खाती है जिससे हाथी खाना खाता है। तो सरकार की मंशा तो कुछ और है और दिखा कुछ और नहीं है। तो इस सरकार पर हम भरोसा करें तो कैसे करें? खाती है पयोधी जी, बोलिए बोलिए पयोधी जी। जी सुदेश जी बोलिए, मुझे सुन ले थोड़ा, मैं भी डिबेट में हूँ, सुन लीजिए। जी बोलिए बोलिए सर। देखिए पयोधी जी, हुआ क्या है कि जो देश के बारे में जो मजबूत डिसीजन लेने थे विपक्ष जब सत्ता में थी तो वो नहीं ले पाए। 370 हटाना, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, आगे भी जो लेने जा रहे हैं ये देश को मजबूत करेगा। ये बड़े गुस्से में है विपक्ष, ये मौका खोज रहे थे किसी तरह सरकार को घेरा जाए और हमारे जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं उनको स्ट्रीट पर ले आया। सीएए पर आज ये मान रहे हैं सीएए में कोई गलती नहीं है, तो इतना जो एजिटेशन हुआ सीएए पर उनको सामूहिक माफी मांगनी चाहिए। सुदेश वर्मा मैं कह रही हूँ ठीक है आपकी बात, मैं समझती हूँ, इसलिए 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 मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए कह रही हूँ सुदेश वर्मा। मेरा सवाल आपसे ये है, आप सरकार में जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी होगी, आप इससे तो नकार नहीं सकते। दूसरी बात ये, सुन लीजिए विनय जी, सुनिए दूसरी बात ये है कि आप पहले जागरूकता अगर क्रिएट कर देते, जागरूक कर देते तो शायद ये बवाल ना होता। आप अगर पहले जागरूक कर देते तो शायद विपक्षी दलों को राजनीति करने की ये मौका मिलता ही नहीं। बोलिए बोलिए जी, इसका मैं जवाब दूंगा बहुत संजीदगी के साथ, सुन लीजिए। हाँ जी, ये जो सीएए है इस पर लोकसभा में डिबेट हुआ, प्रत्येक प्रश्न जो रेस किए जा रहे हैं उसका गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा, प्रत्येक एमपी का, ओवैसी जी का भी, वही राज्यसभा में भी हुआ। पूरे डिबेट के बाद चोरी छुपे से ये एक्ट नहीं बना है। आपके पास नंबर है से डिबेट हो रहा है, घोड़ों पे चढ़ के ये बिल इस तरह से पास करवाएंगे क्या आप? डॉक्टर मनमोहन, आप मुझे बताइए अगर आपके पास नंबर है, अगर आपके पास लोकसभा राज्यसभा में नंबर है, आपकी प्राथमिकता क्या है? चेतन बात तो फिर, अरे सुनिए तो सही, बात तो ये भी है ना कि जब ये पेश होने वाला था फिर उससे पहले आप लोग कहाँ थे? क्या आप लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर करना था तो उस वक्त करते जिस वक्त ये पेश होने वाला था? सबसे अपील कर रहे हैं और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, आप दो बातें कर रहे हैं, अपील नहीं कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है विपक्ष होने के नाते आप उठाइए मुद्दा, आप विपक्ष है, देश को विपक्ष की जरूरत होती है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, वो आपका अधिकार है। आप जो लेके आने वाले चाहते हैं चाइना मत बनाइए, ये लोकतंत्र है इस देश डेमोक्रेसी में सरकारी प्रश्न रहती है। चेतन सिंह सुनना तो सीखिए आपके हाथ से निकलता जा रहा है।
आप लोगों को अपना लोगों को गलत खबर पैदा करना, आप सरकार के खिलाफ समझिए, विश्लेषण करिए, विश्लेषण करिए और समझिए कि कहां क्या कमी रहती जा रही है। मतलब नहीं है क्या? ठीक है, बोल, नंबरों का है, नहीं चलेगा। अरे भैया नेहरू जी बोले थे इनको सिटीजन से, अब नेहरू चेतन सिंह, अपील का, किसकी अपील का कितना असर हुआ ये तो हमने भी देखा। खाली मोदी जी को किसकी अपील का कितना असर हुआ बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश सबने देखा, पूरे देश ने देखा। बात करेंगे, अपनी बात बताएंगे। सुनील चोपड़ा, दो मिनट दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। पायोधी जी, पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट रखी गई है जो 2016 में रखी गई थी, उसमें यह कहा गया था कि सीएए के बेनिफिशियरी, जो सीएए एक्ट आया है उसके बेनिफिशियरी पूरे हिंदुस्तान में कुल 31,000 हैं। और जो आपने सवाल पूछा था कि सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की, वो सारे एक्टिव जो रजिस्टर है वो सर आपका अपना डेटा होगा, होम मिनिस्ट्री का जो डेटा आईपी, ये वोट बैंक की राजनीति है सर। पार्लियामेंट के अंदर जो डेटा रखा गया है आपके घर का डेटा नहीं माना जाएगा, आपके घर का डेटा नहीं माना जाएगा। जो पार्लियामेंट के अंदर रखा गया है डेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं होम मिनिस्ट्री, होम सुनील चोपड़ा, आप अभी तक क्या कर रहे हैं? हर आदमी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ठीक है सुनील चोपड़ा, चेतन सिंह, समय की, हर आदमी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ये भी वोट बैंक की राजनीति है। आप लोगों को कोई मौका नहीं मिला तो आप इस पॉलिटिकल अधिकार है, सिर्फ एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, एनपीआर का जो विरोध आप कर रहे हैं उसका विरोध करने का क्या मतलब होता है? ये तो सेक्युलर तरह का आपका अधिकार है, इस तरह की बातें। तिवारी साहब आप बताइए, आप आपका अधिकार है क्या वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं? दूसरा तो बड़ी अफसोस की बात है, आप ये तो सर चेतन सिंह आपकी बात पता है कब जायज होती? जब प्रियंका गांधी जाके इंडिया गेट पर ना बैठती, जब ओवैसी ये कहते कि हमें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना है, जब तेजस्वी ये कहते कि आओ अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसका अंजाम भुगतना होगा प्रदर्शन से पहले, ममता बनर्जी ये कहती है किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगी, तब आप दूसरों से माफी मांगने की मांग कर सकते थे। सर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? सुनील चोपड़ा जल्दी से सर, लास्ट कमेंट आपका। जी, मेरे दो कमेंट्स हैं। जी सर जल्दी से। आपने समर्थन का चैनल जो खोला है, आपको विरोध का चैनल भी होना चाहिए। जनतंत्र डिमांड करता है कि हर तरह की चीज का विरोध करेंगे। दूसरी चीज है, बोलने दीजिए, मैं चाहती हूं कि वो की बात कम करो, इस वक्त शांति की बात ज्यादा करो, दुश्मनी की बात कम करो, रोटी रोजी और मकान की बात करो, ठंड में मर रहे हैं लोग, उनको जान दो, लंगर खोलो कुछ नहीं, और लोगों को जिंदा रहने दो। ठंड पे मरने वालों की सर जाइए ना रैन बसेरों में जाके कुछ थोड़ा सोशल वर्क भी कीजिए सर, उससे थोड़ा सो सकता है आपको भी राजनीतिक फायदा हो जाए। कीजिए सर थोड़ा सोशल वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे चर्चा में। लेकिन सवाल ये है, नागरिकता कानून पर चल रही जागरूकता अभियान को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसलिए लोगों की मांग पर हमने एक नया नंबर शुरू किया। अब आप 7834998998 पर भी मिस्ड कॉल करके नागरिकता कानून पर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं और आप हमारे पुराने नंबर 9836800500 पर भी इस कानून का समर्थन कर सकते हैं। एक मिस्ड कॉल कीजिए और आपका समर्थन हम तक पहुंचेगा और वो हम दिखाएंगे लगातार